Assalamualaikum. Welcome to FK Arts and Craft. मैं फोजिया कमल आज आपको ग्लास में ये पिकॉक अरेंज करना बताऊंगी. अरेंज मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिकॉक जो हम मिरर में या ग्लास में ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि इसको अरेंज करेंगे. और फिर किस तरह अरेंज करेंगे और हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको. ये नेचुरली के ग्लास में कर रहे हैं तो हमें ये ग्लास चाहिए. ये ग्लास आपको मैं यही बता दूं कि ये ग्लास हमारी विंडो का टूट गया था तो मैंने इसको जाया नहीं किया. इसी तरह आपके घर में अगर कोई ग्लास रखा है तो उसको जाया नहीं कीजिएगा. और देखिए मैंने इसकी कटिंग भी नहीं की है कि यहाँ से शेप सही नहीं है. पहले मैंने कहा कि आपको पूरी डिटेल बता दूं फिर आप उसके बाद कटिंग कर लें या आप पहले भी कटिंग कर सकते हैं जो आपको इजी लगे. उसके अलावा हमें ये इटालियन डो के जो मैंने आपको लीव्स बताए थे वो है. मैंने ये लीव्स बना के इसके सेंटर में स्मॉल मिरर पीसेस लगा दिए. इसके ऊपर मैंने ग्लास पेंटिंग की है. हम पिकॉक बना रहे तो नेचुरल पिकॉक फीदर. इसके अलावा हमें इटालियन डो जो ब्लू कलर में है जिसका फीदर पूरा पिकॉक बनाएंगे. रेड बीक के लिए और ब्लैक आईज के लिए ग्लू. और ये छोटे छोटे वायर हैं. ये फ्लेक्सिबल है जो इजीली फ्लेक्सिबल हो जाता है. बताऊंगी फिर मैं आपको बाद में ये हमारे किस काम आए. सो लेट्स स्टार्ट. ये इस ग्लास पे हम पीकॉक अरेंज करेंगे. सीधा साइड ये है जो एम्बोज है लेकिन हम इस पे काम नहीं करेंगे बल्कि इसके बैक साइड पे जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ है. मेरे पास तो इतना बड़ा ग्लास मुझे ऐसे मतलब मेरा टूट गया था इसलिए मुझे मिल गया है. अब हम क्या करेंगे कि 2 इंच डाउन लेंगे और 1 इंच यहाँ से क्योंकि हमें इसको फ्रेम करना है तो फ्रेम के लिए हम 2 इंच यहाँ से 2 इंच नीचे से लेंगे. अब हमें जो सेंटर में जगह बच रही है वहाँ हमें एक एस आप चाहें तो मार्कर से अपने आसानी के लिए ड्रॉ कर सकते हैं. और 1 इंच हमने देखे यहाँ से छोड़ा है और 1 इंच हमने यहाँ से. ये अब हमारा पोर्शन हो गया है फ्रेम के लिए. और जब आपकी ये जितनी चीज तैयार हो जाएगी तो आप फिर जिससे फ्रेम करवाने जाएंगी उससे आप कटिंग भी करवा सकते हैं. अगर आपके पास कटर है तो खुद भी कर सकती हैं आप. ये छोटे छोटे फ्लेक्सिबल वायर है. आपने पिकॉक के ऊपर देखा होगा कि एक समझ लो उनका ताज होता है हम वो बना रहे हैं. ये डो लिया आपने और ये छोटा सा बॉल. आपने तैयार कर लिया है 1 2 3 4 5 6. ये हमने 6 बाय 2 छोटे छोटे स्मॉल बॉल बना लिए. नेक्स्ट स्टेप हमारा पीकॉक बनाना है. ये आपने डो लिया जिसमें हमने ब्लू कलर किया है. इस तरह करके आप एक लंबा सा पीस बना लें रोल करते हुए.
ये देखें हमने इतना लंबा रोल कर लिया है अकॉर्डिंग टू एस साइज। अब आपने ग्लू इसमें अच्छे से लगाना है। आराम से उठा के और हाथ से हल्के हल्के दबाना है। हमने ये ऊपर का हिस्सा ये नीचे तो ये ऊपर की तरफ लेके जाना है आपको। ये देखिए आपको साइड से अगर ग्लू नजर आ रहा है तो डोंट वरी, आप किसी कपड़े से को साफ कर सकती हैं। और मैं हमें मैनी टाइम आई टोल्ड यू बिफोर कि ये ग्लू ट्रांसपेरेंट होता है, इतना पता नहीं चलता है। ठीक है, अब हमें बीज बनानी है। ये रेड लिया आपने, मैंने आपको ड्रॉप बनाने बताया था राउंड। ये जो हमने स्मॉल बॉल ब्लू थिन वायर में लगाया था इसको कट कर ले। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, अब हम इसके फेदर्स लगाएंगे। आप चाहें तो ग्लू निकाल लें इधर। आप देख लीजिएगा कितने गैप में आप लगा रहे हैं।
ये देखिए सारे फेदर्स लग चुके हैं। अब ये नेचुरल फेदर है, आप इसको यहां से ये लास्ट जो इसका है अभी आपको ये नजर आ रहे हैं, बीच बीच में हमें ग्लू नजर आ रहा है। ये देखिए मैंने ग्लिटर दो कलर में, एक पर्पल और एक ग्रीन, इसको मिक्स कर लिया है और आपने सेंटर में जहां आपको ग्लू नजर आ रहा है वहां आप स्प्रेड करते हैं। ये देखिए हमने सब जगह अच्छे से ग्लिटर को स्प्रेड कर दिया है। अब आपको ये जो चीज नजर आ रही है आप क्या करेंगे, इसको उठा के किसी भी जगह अच्छे से झाड़ लीजिएगा। ये देखिए ये हमारा पीकॉक बिल्कुल तैयार है। अब आप इसकी कटिंग करा लीजिएगा यहां से। मुझे उम्मीद है आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।